गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण हम खत्म कर चुके हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज यानी कि प्रश्न अभ्यास को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। एक प्रश्न है, उसके तीन विकल्प हैं, तो जो भी ठीक विकल्प होगा हमें वो पता करना है ना। चलो हम पढ़ते हैं। अपने मन के विचारों अथवा भावों को आदान प्रदान करने का क्या साधन है? अगर हमारे मन में कोई विचार हैं, कोई भाव हैं और हम उनको दूसरों को बताना चाहते हैं तो कैसे बताएंगे? किसके माध्यम से बताएंगे? लिपि के माध्यम से, बोली के माध्यम से या भाषा के माध्यम से? इसका सही आंसर क्या है? भाषा के माध्यम से। अगर हमें भाषा बोलना आता है तो हम अपने मन के विचारों को किसी और के साथ बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। इसका उत्तर तो आपको पता होगा ना, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में। हमारे भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली हुई है? 20 भाषाओं को, 21 भाषाओं को या 22 भाषाओं को? तो इसका सही आंसर क्या है? 22 भाषाओं को। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे लिखी भाषाओं के नाम पढ़िए और शीर्षक के अनुसार सही या गलत का निशान लगाइए। तो हमें नीचे बहुत सारी भाषाएं लिखी हैं, उनके नाम पढ़ने हैं और सही या गलत का निशान लगाना है। तो यहां पर क्या है? भारतीय भाषा, भारतीय भाषा, ठीक। और नीचे कुछ भाषाएं लिखी हुई हैं, तो हमें इसमें से ये पहचानना है कि भारतीय भाषा कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो सबसे पहली भाषा है संस्कृत। क्या कहते हैं आप, ये भारतीय भाषा है? बिल्कुल है, संस्कृत जो है वो भारतीय भाषा है। फ्रेंच फ्रांस में बोली जाती है, तो फ्रेंच जो है वो भारतीय भाषा नहीं है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। उर्दू, उर्दू भी एक भारतीय भाषा है क्योंकि 22 भाषाओं में उर्दू शामिल है। स्पेनिश स्पेन में बोली जाती है, इसलिए ये भारतीय भाषा नहीं है। अब हम बात करते हैं विदेशी भाषा की। इनमें से विदेशी भाषा कौन सी हैं? फ्रांसीसी फ्रांस में बोली जाती है, तो विदेशी भाषा है। तेलुगु भारत में बोली जाती है, तो विदेशी भाषा नहीं है। कश्मीरी भी भारत में बोली जाती है, तो वो भी विदेशी भाषा नहीं है। और पंजाबी भी भारत में बोली जाती है, इसलिए वो भी विदेशी भाषा नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? संस्कृत भारतीय भाषा है, फ्रेंच विदेशी भाषा है, उर्दू भारतीय भाषा है, स्पेनिश विदेशी भाषा है, फ्रांसीसी विदेशी भाषा है, तेलुगु भारतीय भाषा है और कौन से राज्य में बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। कश्मीरी भी एक भारतीय भाषा है और किस राज्य में बोली जाती है? कश्मीर में। और पंजाबी भी एक भारतीय भाषा है और यह किस राज्य में बोली जाती है? पंजाब में। अब हम चलते हैं दूसरी लिस्ट में। भारतीय भाषा, हिंदी भारतीय भाषा है, मलयालम भी एक भारतीय भाषा है, अंग्रेजी भारतीय भाषा नहीं है, जर्मन भारतीय भाषा नहीं है क्योंकि जर्मन बोली जाती है जर्मनी में और अंग्रेजी बोली जाती है ब्रिटेन में, मलयालम बोली जाती है केरल में जो कि भारत का एक राज्य है और हिंदी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है जो कि भारत का एक राज्य है। अब चलते हैं विदेशी भाषाओं पर। चीनी विदेशी भाषा है क्योंकि चीन में बोली जाती है। नेपाली, नेपाली के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जो नेपाली है क्या वो भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं में है? बिल्कुल है, तो नेपाली भी एक भारतीय भाषा है, तो विदेशी भाषा नहीं है, तो इसको हम काट देंगे।
बंगला भारत में बोली जाती है तो ये भी एक विदेशी भाषा नहीं है। जापानी भारत में नहीं बोली जाती है, जापान में बोली जाती है, इसलिए ये एक विदेशी भाषा है। तो ये थी हमारी सेकेंड एक्सरसाइज, जिसमें हमें ये पता करना था कि जो भाषाएं दी गई हैं वो कौन सी भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं या विदेशी भाषाएं हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, सही उत्तर चुनिए। नीचे 6 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनना है। प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है व्याकरण बताता है, जो भाषा का व्याकरण होता है वो हमें क्या बताता है। तो हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं। शब्दों का सही रूप, क्या व्याकरण हमें शब्दों का सही रूप बताता है, शब्द कैसे लिखे जाएंगे। अगर हमें ये सीखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। इसका सही आंसर ये है कि व्याकरण हमको शब्दों का सही रूप बताता है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। शब्द कैसे बने, व्याकरण के बारे में हमने पढ़ा है कि व्याकरण हमको ये भी बताता है कि शब्द कैसे बने, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, व्याकरण हमको ये भी बताता है। अगला है वाक्य क्यों बने, क्यों का आंसर व्याकरण नहीं बताता कि वाक्य क्यों बने, व्याकरण बताता है कि वाक्य कैसे बनते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। अगला है वाक्य का सही रूप, वाक्य किस तरह से सही रूप में लिखे जाएंगे इसकी जानकारी हमको व्याकरण से मिलती है, तो ये आंसर भी सही है। भाषा के नियम, हर भाषा के नियम होते हैं उसको लिखने के, तो वो नियम हमें कौन से सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए मिलते हैं, व्याकरण में, तो ये आंसर भी इसका सही है। और लास्ट ऑप्शन है भाषा की विविधता। अब यहाँ पर विविधता शब्द का क्या मतलब है, विविधता शब्द का मतलब है कि भाषा कितने तरह से, कितनी तरह से लिखी जा सकती है, बोली जा सकती है, तो एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग तरह से बोल सकते हैं, ये है भाषा की विविधता। और ये हमें कौन बताता है, ये हमें व्याकरण बताता है कि हम एक ही सेंटेंस को एक तरह से भी बोल सकते हैं और दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, ये दोनों अलग अलग प्रकार से बोले गए सेंटेंस हैं, लेकिन दोनों का मतलब कैसा है, एक ही है, तो ये हम दोनों सेंटेंस सही बोल रहे हैं, इसकी जानकारी हमें किससे मिलेगी, व्याकरण से मिलेगी। तो व्याकरण हमें भाषा की विविधता के बारे में भी बताता है। तो एक ही ऑप्शन इसमें गलत है कि वाक्य क्यों बने। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर, और अगली एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, रेखा खींचकर राज्यों को उनकी भाषाओं से सुमेल कीजिए। सुमेल करने का मतलब मिलाना है। राज्य दिए गए हैं इस तरफ और इस तरफ दिए गई हैं भाषाएं, तो हमें राज्यों के नाम पढ़कर भाषाओं के साथ उनको मिलाना है। तो सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अभी अभी हमने पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु, तो तेलुगु के साथ हम इसको मिलाते हैं। अगला जो हमारा राज्य है वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम, उड़िया, मराठी, मराठी, तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाएगी, मराठी। अगला जो हमारा स्टेट है वो है पंजाब, और पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है, पंजाबी। नेक्स्ट स्टेट है उड़ीसा, नहीं बंगाल है सॉरी, तो बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाएगी, बंगला, तो हम इसे बंगला से मिला देते हैं। अगला जो स्टेट है वो है उड़ीसा, और उड़ीसा में कौन सी भाषा बोलते हैं, ओडिया, तो हम इसे ओडिया से मिला देते हैं। और जो लास्ट स्टेट है वो है केरल, और केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम, तो हम इसे मलयालम से मिला देते हैं। तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में
पंजाबी, बंगाल में बंगला, उड़ीसा में उड़िया और केरल में मलयालम। ये थी हमारी मैचिंग। आगे अगले एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो ये हमें कुछ हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसमें 5 शब्द लिखे गए हैं, लिखित, लिपि, भाषा, व्याकरण और हिंदी। तो इन 5 ब्लैंक्स में हमें ये पता करना है कि हम इनमें से कौन से शब्दों को भरें। तो पहला हमारा ब्लैंक है, हमें भाषा के नियम बताता है। आंसर लिखे हुए हैं, लेकिन आप सोचिए कि भाषा के नियम हमें कौन बताता है। भाषा के नियम हमें बताता है व्याकरण। व्याकरण में ही हम भाषा से संबंधित सारे नियमों को पढ़ते हैं। अगला है, मन के विचार प्रकट करने का साधन है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि हम अपने मन के विचार कैसे प्रकट करते हैं, भाषा से। तो भाषा मन के विचार प्रकट करने का साधन है। नेक्स्ट है, हम प्रतिदिन मौखिक और दूसरी कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं। हम प्रतिदिन मौखिक और लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, या तो हम बोलते हैं या फिर हम लिखते हैं। वर्ण मतलब अक्षर। अगला है, वर्ण लिखने का चिन्ह। कल हमने पढ़ा था वीडियो में कि वर्ण लिखने का चिन्ह, अगर हमें अक्षर लिखना है तो उसके लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, तो वही चिन्ह क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। ठीक, वर्ण लिखने का चिन्ह लिपि कहलाता है। लास्ट है, हमारी राजभाषा है। तो हमारी राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। राजभाषा का मतलब कि हमारे देश में जितने भी सरकारी काम होंगे वो सारे किसमें होना ज़रूरी है, हिंदी में होना ज़रूरी है। तो ये इस चैप्टर की 5 एक्सरसाइजेस थी। अब आपने इन एक्सरसाइजेस को अच्छे से समझ लिया है तो आपको अपनी नोटबुक में, हिंदी ग्रामर की नोटबुक में, इन सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके रखना है। ठीक, काम बहुत सुंदर सुंदर और अच्छी हैंडराइटिंग में आपको करना है। करेंगे ना आप सब, प्रॉमिस करते हैं मुझसे। अच्छी बात है, बिल्कुल करेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है। फूल और पत्तों के जोड़े बनाइए। ऊपर ये सारे पत्ते हैं और नीचे ये सारे फूल हैं, और आपको क्या करना है, पत्तों और फूलों के जोड़ों को बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला पत्ता है उसमें क्या लिखा है, बात कहने का साधन। क्या है आपके पास बात कहने का साधन, आप किसके माध्यम से अपनी बात को कहते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा था कि हम भाषा के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं। तो देखिए भाषा कहाँ लिखी हुई है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये है भाषा। तो हम इसको किससे मिला देंगे, भाषा से मिला देंगे। ठीक, थोड़ा सा ये गंदा हो गया है, साफ कर लेते हैं और इसे भाषा से मिला देते हैं। तो हमारा एक पत्ता और एक फूल मिल चुके हैं। अब आगे चलते हैं। बोली। बोली क्या है, बहुत कम लोग जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो बोली हो जाती है। तो व्याकरण है, नहीं। भाषा लिखने का तरीका है, नहीं। बोलचाल की भाषा है, बिल्कुल। बोली जो है वो बोलचाल की भाषा है। तो हम दूसरे पत्ते को दूसरे फूल से मिला देते हैं। अगला पत्ता है, शुद्ध भाषा लिखने वाला। अब ये तो आपको पता ही है कि शुद्ध भाषा लिखने वाला कौन होता है। शुद्ध भाषा लिखने वाला होता है व्याकरण। तो व्याकरण से इसको हम मिला देते हैं, शुद्ध भाषा लिखने वाला व्याकरण। अब आखिरी पत्ता है, उस पर लिखा हुआ है लिपि। तो लिपि को हम किससे मिलाएंगे, लिपि क्या होती है, भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं वो लिपि होते हैं। तो भाषा लिखने का तरीका क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। ये थी आपकी एक्सरसाइज, बात कहने का साधन भाषा, बोली बोलचाल की भाषा, व्याकरण शुद्ध भाषा लिखने वाला सिखाने वाला, सॉरी, व्याकरण जो है वो शुद्ध भाषा सिखाने वाला है।
और जो लिपि है वो भाषा लिखने का तरीका है। तो आप इस एक्सरसाइज को भी अपनी नोटबुक पर सॉल्व कर लीजिए। कैसे करना है, एक साइड में आपको लिखना है जो ग्रीन पत्ते पर लिखा हुआ है, और उसके सामने जो दूसरी साइड है राइट हैंड साइड में, वहाँ पर आपको उसके सामने मैचिंग करते हुए जो फूलों पर लिखा हुआ है वो लिखना है। जैसे आपने लिखा लिपि और डैश लगा के आप उसके आगे लिख देंगे भाषा लिखने का तरीका। तो ये एक्सरसाइज भी आपको अपनी नोटबुक पर सॉल्व करनी है। तो इस तरह से आपका हिंदी व्याकरण का ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ आपको एक और काम करना है, नीचे दिए गए शब्दों की परिभाषाएं अपनी नोटबुक में याद करके लिखनी है। भाषा की परिभाषा, लिपि की परिभाषा और व्याकरण की परिभाषा। इतना काम करने के बाद आपका पहला चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो